मेरी बात सुने आपको मालूम नहीं कि मैं देवास में जिम्मेदार हूँ? ये धार्मिक इदारा आपको नहीं मालूम था? आप अचानक यहाँ पे सील करने आके माहौल खराब करना चाहती है देवास का? क्या तो आप किस तरह से आ गए अचानक? आप तो आपको आपको पहले बात करने के लिए मिली। मेरी बात सुनो, आपको सील करना आने से पहले आपको जिम्मेदारों से बातचीत करना है। एक सबसे चीज तो किस चीज के नोटिस दिए, किस चीज के नोटिस? जब हमारा हाईकोर्ट, जब जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर ग्वालियर हाईकोर्ट में रेवेन्यू में केस चल रहा है हमारा, किस चीज के नोटिस दिए? तो आपको जिम्मेदारों से बुलाकर बैठ कर बातचीत करना चाहिए। आप अचानक आकर माहौल खराब कर रही है यहाँ पर। आप एडीएम से आपके पास चलिए, उन्हीं के द्वारा बोला गया था ना, तो आप और मैं वहीं चल के साहब के सामने आप बिल्कुल मेरी शिकायत कीजिए, आप वहीं चलिए। शिकायत नहीं कर रहा मैडम, आपको इस तरह से नहीं आना चाहिए धार्मिक इदारों को। खुद अपने मैं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पे आई हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, ठीक है? मैं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश थे, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी, इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं आना चाहिए आपको। जब बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, गरीब बच्चे बिना फीस के पढ़ते हैं, किस तरह का टैक्स देंगे हम लोग? गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उसी के लिए हमें बुलाया नहीं उन्होंने कलेक्टर साहब ने। कलेक्टर साहब बोलते बात करते हैं, कानूनी तौर पर हम ग्वालियर में साहब से बात कर लेंगे, आप वहीं चलते हैं फोन लगाया तो उठाया। नहीं, इतना 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 ये धार्मिक इदारा है, मतलब छोटा तो शहर का माहौल खराब ना करें, शहर का माहौल खराब ना करें। अच्छा भाई, दोनों के टेन और एक का एक ही तो प्रकरण होगा ना सर? शेर का जी देवास साहब, मैं काम में हाँ खड़ी हूँ, आप कलेक्टर साहब से मिल के आ जाइए और मुझे फोन लगवा दीजिए। चलो बाबू भाई, अब धरने बैठेंगे तो बंद कर लेंगे, कर लो बंद, सील सील कर लेंगे, ठीक है? चलो ना सब कुछ, चलो सर कभी जगह लगाइए, कर लो सील कर लो आप, चलो चलो आ जाओ आ जाओ, यहाँ धार्मिक इदारों के लिए भी बैठेंगे, ठीक है? चलो लड़कों को खबर करो बैठेंगे वहाँ पे, चौराहे पे चलते, ठीक है?